हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, यह है रक्षाबंधन की काइट फाइटिंग का सेकंड पार्ट, और पहला पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था, तो जिसने वाला पार्ट नहीं देखा आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहां पे अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अब दोबारा से मौसम साफ हो गया है और यहां पे हमने दोबारा से अपनी पतंग पार कर दी, और मेरे सामने भी काफ़ी ज़्यादा पतंगबाजी हो रही है। चलो दोस्तों की पतंग काटते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आ गया हमारा पेज, जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी वो मेरी पतंग है, मैं ऊपर से हूँ, और ब्लू सर्कल वाला हमारा अपोनेंट है, वो नीचे से आया। तो यहाँ पे आया वो, मैंने उसके हाथ की तरफ दिखाई और यहाँ पे मैंने उसकी पतंग काट दी। वो देखिए दोस्तों, पहले मैंने उसके हाथ की तरफ दिखाई और जैसे उसने खींची, मैंने चुटकी ली और उसकी पतंग काट दी। और मेरे पीछे से भी काफ़ी पतंगें कट के आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। वो चप्पा जो पतंग है उसमें चांतर वाले ने लपेट लिए, और सामने भी आपको पतंगें दिख रही होंगी, और वो देखिए ले गया लपेट के। तो इधर से आप सामने देख सकते हैं पतंगबाजी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और मेरे ऊपर भी पतंग उड़ रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा पतंगें कट के आ रही हैं, लेकिन मैं इन्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पतंग भी उड़ा रहा हूँ और आप लोग के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। तो काफ़ी पतंगें मेरी छत से निकल जा रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक पतंग कट के आई थी, वो पतंग मैंने पकड़ ली है, लेकिन जो पतंग है वो थोड़ी ऐट रही है। चलो इससे पेड़ लड़ा लेते हैं। अब ये रक्षाबंधन है, कौन उतार के पतंग सही करेगा। अब जैसी पतंग मिल रही है वैसी लड़ा दे रहे हम। तो यहाँ से मैं ऊपर से हूँ, जो हमारा अपोनेंट है वो नीचे से आ रहा है, तो उनने खींची, मैंने उसके हाथ की तरफ दिखाई और यहाँ मैंने चक्कर लिए पतंग को, और उसकी पतंग काट दी हमने। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया एक और पेज, जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग, मैं नीचे से पेज ले रहा हूँ। तो ये गया मैं नीचे से, और ऊपर एक पतंग थी उससे लड़ाते हैं। ये देखिए उसने घुसाई और यहाँ पे पेज फंस गया है, देखना भी किसकी पतंग कटेगी। और एक पतंग हमारे उसमें घुसाने की कोशिश कर रहा, तो मैंने पतंग उठा ली है। तो दोस्तों, पता ही नहीं चल रहा किससे पेड़ लड़ाओ। देखो, तीनों ने मेरे उसमें घुसा दी और मेरी पतंग नीचे से है, और शायद दोबारा से पेच पड़ा है। पता ही नहीं चल रहा किससे पेड़ लड़ रहा है, किससे नहीं लड़ रहा है। और देखो, अभी किसी से भी पेड़ लड़ भी नहीं पाया, इतनी देर हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी पतंग रेड सर्किल के अंदर रही, मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ, तो ये उनने बाहर को खींची मेरे अपोनेंट ने, मैंने सीधा गद्दा मारा और उसकी पतंग मैंने काट दी। वो देखिए। तो दोस्तों, सामने जो आप पतंग देख रहे होंगे ब्लैक कलर की, ये मेरी छत में आने वाली थी, लेकिन जो ये नीले कलर की पतंग है इसने लपेट ली है। और ये पेजों की पतंग है यार, पौनी पतंग है, फुल साइज पौनी है ये, और वो बंदा लपेट के ले गया। वो देखो। तो दोस्तों, अब मैं आया हूँ अपने दोस्तों की छत में, आ गया हूँ पतंग उड़ाने, क्योंकि मेरी छत से वीडियो सही से बन नहीं पा रही थी। और अब हवा काफ़ी बढ़िया खुल के आई है, और यहाँ पे देखिए सभी लोग अपनी अपनी पतंगें चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय शाम के बज रहे हैं 3, और पतंगबाजी आप देख सकते हैं चारों तरफ, आपको इस समय पतंगें दिख रही होंगी। और यहाँ पर हमारे भाई भी अपने पेड़ उड़ा रहे हैं, और सामने आप पतंगें देखिए, हर तरफ आपको बस मक्खियों की तरफ पतंगें ही पतंगें दिखेंगी। और मौसम भी काफ़ी बढ़िया हो गया, और हवा भी काफ़ी बढ़िया खुल के आई है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला आगे की वीडियो में आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे भाई दिख रहे होंगे, इन्होंने अभी एक ही पतंग से 7-8 पतंगें काट रखी हैं। और जो अब की बार ये पेड़ लड़ा रहे हैं, वो हमारे अपोनेंट की जो पतंग है पूरी राउंड है, तो देखते हैं कि अब की बार क्या होता है। और इन्होंने ऊपर का पेज लिया है, ये उन्होंने मुड्ढा बनाया सीधा और खींचा, और यहाँ पर इनकी पतंग कट गई, क्योंकि हमारे जो अपोनेंट की पतंग थी वो पूरी राउंड थी, और इसलिए इनकी पतंग कट गई। तो दोस्तों, इतनी ज़्यादा पतंगबाजी हो रही है, लेकिन जो क्लब वाले हैं वो आज भी पेड़ लड़ा रहे हैं छतों से अपने। और यहाँ पे जो आप पतंग देख रहे होंगे गिलहरा, ये क्लब वालों की कट के जा रही है। और यहाँ पे अगर जो आप पतंग देखेंगे मेरे हाथ में, ये रही मेरी पतंग, तो अभी मैं पेड़ लड़ाता हूँ और फिर आप लोग को दिखाता हूँ।
तो दोस्तों जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी मेरी पतंग है, मैं नीचे से हूँ, और जो हमारे अपोनेंट की पतंग है वो आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख जाएगी, वो ऊपर से। तो यहाँ पे मैं गया नीचे से, वो हमारे हाथों में आ गया, ये मैंने सीधी खींची और उसे मैंने खींच मारने का मौका भी नहीं दिया, और उसकी पतंग हमने यहाँ पे काट दी है। तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्लब वालों के भी पेज लड़ रहे हैं, तो जो आपको ब्लू वाली पतंग दिख रही होगी नीचे से है और ब्लैक वाली ऊपर से। तो ये ब्लू वाला घुसा अंदर, ये ने खींची ऊपर, और ब्लैक वाली का जो झोल था उसी से ये कट गया, और वो देखिए वो जाती है उसकी पतंग। तो दोस्तों यहाँ पे एक पतंग कट के आई है, वो जाती है, देखिए पतंग वो रही, और इसका डोरा सामने यहीं पर ही जा रहा है, वो देखिए वो रहा डोरा, ये हमने पकड़ लिया है, और ये आ गया, जल्दी पकड़ता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये आ गया डोरा, आप देख सकते हैं, और जो ये पतंग है पीछे से पेजों की कट के आई है। तो अभी इसे उतारते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमें काफ़ी देर हो गई है पतंगबाजी करते हुए, और हमने काफ़ी पतंगें काटी हैं और हमारी पतंगें कटी हुई हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें पतंगबाजी करते हुए रक्षाबंधन में। और यहाँ पे देखिए भाई अपनी एक और पतंग पार कर रहे हैं, और सामने हमारा एक पेज लड़ भी रहा है, तो अभी आप देखना। और ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा पतंगें उड़ रही हैं, क्लब वाले भी काइट फाइटिंग कर रहे हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है रक्षाबंधन में। तो दोस्तों अब मैं पेज लड़ा रहा हूँ अपना, तो जो आपको रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी वो मेरी पतंग है, और सामने एक ब्लू सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी वो उससे लड़ाते हैं हम। तो ये मैं जाता हूँ, जहाँ से ही मौका मिल जाए वहीं से लड़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है पेज फंसा लिया है, और दोनों की पतंगें देखिए चक्करों पर हैं, और जो दोनों की पतंगें नीचे घुस गई, तो यहाँ पर मैंने पतंग अपनी उठा ली और मेरे अपोनेंट की पतंग नीचे घुस गई है। तो यहाँ पे मैंने उसकी पतंग तो काट दी, लेकिन बच्चों ने बीच में घुसा दी थी, लेकिन तब भी जैसे तैसे करके मैंने अपनी पतंग बचा ली। तो यही यार रक्षाबंधन में आप किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, चाहे आपकी कोई हाथ से क्यों ना काट जाए। तो यहाँ पे जो भैया हैं वो अपना पेड़ लड़ा रहे हैं, तो जो रेड सर्कल के अंदर पतंग दिख रही होगी वो इनकी पतंग है नीचे से, और जो आपको ब्लू सर्कल के अंदर दिख रही होगी हमारे अपोनेंट की पतंग है वो ऊपर से आ रखा है। तो उसकी पतंग जो है पूरी राउंड है, तो ये नीचे से गए और उन्होंने खींची उसके हाथ की तरफ भी पूरी दिखा दी है पतंग, और यहाँ पे पतंग काट दी इन्होंने। तो दोस्तों एक बार आप यहाँ का व्यू देखिए, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, और चारों तरफ आपको छतों में बस लोग ही दिखेंगे पतंग उड़ाते, वो देखिए सामने ये उड़ा रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों तरफ बस पतंगबाजी हो रही है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आप लोग भी कमेंट करना कि रक्षाबंधन के दिन आपके यहाँ पतंगबाजी होती है नहीं होती है। और यहाँ पर जो है हमारे भाई अपनी दूसरी पतंग तैयार कर रहे हैं, देखिए मांगदार पतंग है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है पतंगबाजी करने में। तो और बार तो इतनी ज़्यादा पतंगबाजी नहीं होती थी मेरी तरफ, मतलब होती थी लेकिन कम होती थी, लेकिन अब यार जो है लॉकडाउन के चक्कर में ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में आ रखे, तो जो पहले के पतंगबाज थे वो भी अब पतंगबाजी उन्होंने शुरू कर दी है, क्योंकि सब अपने अपने घर में हैं और सब अपने घरों से पतंग उड़ा रहे हैं आजकल शाम के टाइम में, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा पतंगबाजी हो रही है यहाँ पर। वो देखिए एक पतंग कट के आई पीछे से, वो देखिए दो दो पतंग कट के आ रही हैं, एक अद्धी है और एक पौनी है, और दोनों गिर गई, वो देखिए वो गिरी, और वहाँ से जो पेज लड़ रहा है उधर से कट के आई है पतंग। तो ये इन्होंने मुड्डा मारा, और यहाँ पे इन्होंने एक और पतंग काट दी है चप्पा, ये देखिए इन भाई ने काटी है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी पतंगबाज दोस्तों में, और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी तरफ भी क्या इतनी ज़्यादा पतंगबाजी होती है रक्षाबंधन में या नहीं होती, या फिर किस दिन होती है वो भी मुझे कमेंट जरूर करना। और ये तो पतंगबाजी हमारी तरफ होती रहेगी और आप लोग को वीडियो मिलती रहेंगी, तो अगर आपको ऐसी वीडियो रोज़ देखनी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।